मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मुंब्रा पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है और बेवजह घूमने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और बीच सड़क पर उठक बैठक भी कराया जा रहा है। सड़क से लेकर गलियों तक पुलिस गश्त कर रही है और नियम का पालन न करने वालों को सबक भी सिखा रही है। इसी तरह टीएमसी के अधिकारी धनंजय गोसावी ने आज मुंब्रा अमृत नगर परिसर में 37 रूम और इमारत सील कर दिए हैं। दादी कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शासन प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर अमृत नगर, दादी कॉलोनी, पिंटिया दादा नगर, विष्णु सिंचाल, शिवाजी नगर, इन इलाकों में इमारत और रूम यानी कुल मिलाकर 37 इमारत रूम सील किए गए हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मुंब्रा में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, मगर इमारत तो मनपा ने सील कर दी है। इस दौरान कुछ लोग इमारत के बाहर ही रह गए और इमारत में रहने वालों ने बताया कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो कैसे वो बाहर निकलेंगे। सुनिए क्या कहा है इमारत में रहने वालों ने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील नाम है मेरा। बिल्डिंग के अंदर प्रेगनेंसी पेशेंट है, सब है, किसी ने कुछ भर के रखा नहीं है। और ये पेशेंटों को हम कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, बिना बोले बिना इन्फॉर्म किए? सील की गई है, सील तो की गई है। क्या इमारत में रहने वाले सभी लोग हैं अंदर? सभी लोग नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग बाहर है। अब वो आएंगे कैसे, आएंगे बिल्डिंग के अंदर बिना इन्फॉर्म किए? चलो 4 घंटा पहले बोल देते, इन्फॉर्म कर देते, उसके बाद आके सील मारते तो बात अलग है। अब प्रेगनेंसी पेशेंट है बिल्डिंग के अंदर, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, वो पेशेंट क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये बताओ। पुलिस वालों को कहा तो बोलते कि अब तुमको बिल्डिंग का गेट तक लाके सामान पहुंचाएंगे, हर चीज़ कितना पहुंचाएंगे। बिल्डिंग के अंदर 70-60 रूम है जो ये लॉक किया गया है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है तो उनके पास शायद चाबी दी गई है, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़रूरत है ऐसा। ठीक है, फिर हम अभी उनसे संपर्क करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और फिलहाल फोन कर रहे तो वो फोन का जवाब भी नहीं दे रहे, और नहीं उठा रहे। नगर सेवक साहब को फोन कर रहे तो वो जवाब भी नहीं दे रहे। लगाया था आपने फोन? लगाए थे फोन, ये मोबाइल में नहीं लगाए, बाहर लगाए। अब बिल्डिंग के आधे से ज्यादा लोग बाहर है, आप मांगता तो शूटिंग ले लो उनको उनकी, और वो बताओ आप क्या ऐसा है कि अल्टीमेटम दो और 2-4 घंटे के पहले तो बिल्डिंग के काफी लोग आ जाएंगे, कोई जिम्मेदार लोग बिल्डिंग के जिम्मेदारी लेके, क्या भाई किसी को जाने नहीं देना है, किसी को आने नहीं देना है। अल्टीमेटम में लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सुबह से पब्लिक में आप बोल के रखे थे कि बाहर से आके ताला लगा देंगे। नहीं तो हमने हमारे बिल्डिंग का खुद ताला लगाया, ताला लगाया हुआ है, लगाया हुआ है, हम खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं, टाइमिंग भी लिख के रखा है, साथ से खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई जावे नहीं और बिल्डिंग से कोई बाहर वाला कोई अंदर आवे नहीं। हमारा ताला देख सकते। कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं आप? जानकी विला। तो अभी आप आए तो क्या बिल्डिंग लॉक? मैं 6 बजे से यहाँ आई हूँ, जब से तो यहाँ लॉक ही लगा हुआ है, मेरा बेटा खड़ा हुआ है वहाँ पे, जब से वेट कर रहा है। तो मैंने नगर सेवक को ट्राई किया है कॉल करने, बट उनका नहीं आंसर कर रहे, तो अभी तौफीक भाई से बात की, तो उन्होंने बोला है कि हाफ एन आवर में खुल जाएगा। कितना समय दिया? आधा घंटा उन्होंने बोला, अभी 5 मिनट पहले उनसे बात हुई है। तो इमारत में अभी आप लोग कितने लोग हैं जो इमारत से बाहर? वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे फ्लोर पे एक डिलीवरी पेशेंट है जिनकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, 9 मंथ स्टार्ट है उनका, तो वो थोड़ा रिस्की है हमारे लिए, अगर रात भी रात कुछ हुआ तो फिर हम किसको हेल्प करने जाएंगे, वो प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहरा सैयद है। मगर वही इमारत सील करने के बाद धनंजय गोसावी ने बताया कि कंटेंट बाउंड्री की 37 इमारतें और रूम को सील किया गया है। लोग बेवजह घरों से निकल के घूमते हैं और कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को समझाने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं और घरों से बेवजह निकलकर घूम रहे हैं। धनंजय गोसावी ने बताया कि कुल 37 इमारत और रूम सील किए गए हैं, लोगों को ज़रूरतों के सामान उन्हें पहुंचाया जाएगा, मगर अभी इन लोगों में एक मीटिंग होगी, उसके बाद ही तय होगा कि जो इमारत सील की गई है उनमें ज़रूरत के सामान कैसे पहुँचाए जाएँ। गोसावी ने यह भी बताया कि अभी और भी इमारतें हैं जो सील करना बाकी है, जिन्हें कल सील किया जाएगा। जिन इमारतों में गेट नहीं है वहां पर पतरा लगाकर वेल्डिंग कर दिया जाएगा और इमारत सील कर दी जाएगी। सील की गई इमारतों की एक इमारत की 3 चाबियां हैं और एक चाबी टीएमसी के पास रहेगी और एक चाबी आपातकालीन व्यवस्थापन के पास और एक स्थानीय नगर सेवक सानू पठान के पास है। यानी मुंब्रा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से अब ठोस कदम उठाया जा रहा है और ठोस कदम उठाना भी
भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस भयानक बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। वहीं अब सील की गई जो इमारत में रहने वाले लोग हैं वो अपना दुख ज़रूर बता रहे हैं, मगर इस बीमारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने जो कदम उठा रहे हैं वो हमारे और आपके भलाई के लिए ही है। सुनिए मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी और सानू पठान ने क्या कहा है। अपना जो कंटेनमेंट बाउंड्री है वो बाउंड्री के अंदर की जितनी भी बिल्डिंग आ रही है वो पूरी बिल्डिंग सील करना, ऐसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। कोई आदमी नीचे नहीं उतरना मांगता है, रूम के बाहर नहीं आना मांगता है। इसके लिए अपन हर बिल्डिंग को जो गेट रहता है मेन बिल्डिंग का उसको अपन ने सील किया है, और जिस बिल्डिंग को गेट नहीं है उसको अपन कल वेल्डिंग करेंगे। ऐसा अपन 37 एक बिल्डिंग बची है अपनी, आज अपने थोड़ा काम लेट चालू हो गया था, 37 बिल्डिंग हो गई और बची हुई 10-11 बिल्डिंग अपन कल करेंगे। अमृत नगर, गांधी कॉलोनी, पिंटिया दादा नगर, विष्णु शेठ चाल और शिवाजी नगर का कुछ सम पार्ट, तालाब के बाजू वाला जानकी बिल्डिंग से झगड़े चाल तक ये पोर्शन अपन आज सील किया है। अभी कल रईस बाग भी बंद करेंगे, ऊपर से लोग आते हैं इसके लिए। उसमें 3 चाबी है एक लॉक की, एक हमारे पास रहेगी, एक हमारे आपातकालीन में रहेगी और एक चाबी एरिया में ही रहेगी, वो नहीं बोलूँगा किधर रहेंगी। जैसा उनका फ़ोन आएगा वैसा उधर लॉक खोल के मिलेगा। अभी कई लोगों को ऊपर छोड़ने का था, तुरंत भेज दिया, लॉक खोल दिया, लोग अंदर गए, अभी ऊपर छोड़ना चालू है। कई का लोगों का रात को पानी छोड़ना मांगता, वॉचमैन आता है, वो वॉचमैन के नंबर हमारे पास है, उसका हमारा नंबर उसके पास है, वो हमको कॉन्टेक्ट करके वो पानी की सुविधा अपन दे देंगे। अभी ये अपने मैडम है डॉक्टर, उन्होंने भी पूरा सर्वे किया है। अभी इन्होंने कितना सर्वे कितना बाकी पूछा कि बेसिकली ये कंटेनमेंट एक्टिविटी बोलते हैं इसको। कंटेनमेंट एक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ किसी रुग्ण जो है उसको सर्दी खांसी और बुखार, ये जो प्रमुख लक्षण है कोरोना के, वो दिखाई दे रहे कि नहीं है। समझो आज हम लोगों ने एक बिल्डिंग किया, एक बिल्डिंग में 80 घर है, 80 घर में समझो 2 लोग अपने को दिखाते हैं ये सिम्टम्स वाले, ये लक्षण वाले, तो हम लोग उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए कंटेनमेंट सर्वे चालू है। जो केसेस है, एक केस कम से कम दस से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1000 केसेस एक साथ में तैयार कर सकते हैं कोविड की, हाँ, जो कोरोना के केस है, इसके लिए कंटेनमेंट सर्वे होना ज़रूरी है। नहीं सिम्टम्स नहीं, मगर 2 बच्चे ऐसे रहे, छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल से और एक 5 साल की, उन्होंने सर्दी खांसी बुखार, जो रेगुलर सर्दी खांसी बुखार रहता है वैसे ही है, मगर हम लोगों ने उनको देखा, उनको ट्रीटमेंट दिया, फिर से फॉलोअप भी लिया 3 दिन के बाद, तो बच्चे ठीक है, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा है ना कि प्रशासन ने जब ये कार्रवाई करी तो मेरी प्रशासन से, मैं साथ में था, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि शानू भाई हम आपके पास एक चाबी भिजवाते हैं, जो लोग बाहर हैं उनको अंदर करके प्रशासन के पास चाबी दे दें। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन और पुलिस हमारी जान की हिफाजत करने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे शहर की हिफाजत के लिए ये कदम उठा रही है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद बड़ी राहत है। आप लोग अपने घरों से बाहर ना आए, बिल्डिंगों से बाहर ना आए, और ये जो 5 पेशेंट बढ़े उसकी वजह से प्रशासन ने और सख्ती से यहाँ एरिया में कार्रवाई की। ये कार्रवाई हमारी भलाई की नहीं, लेकिन हमको ज़रूरत की चीज़ें मिले इसके लिए भी अभी मीटिंग है, मीटिंग में जाके ये प्लान कैसा करना चाहिए, लोगों की ज़रूरत का सामान कैसा मिले, उसके लिए अभी प्लान होगा। इमारत के लोगों का यह कहना है कि अचानक में जो सील कर दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, और अब जो ज़रूरतें के सामान है वो लोगों तक पहुँचेगा कैसे, कौन लेने जाएगा कैसे लोग, यही मेरी अभी प्रशासन से यही मीटिंग है कि जो इमारतों को बंद किया गया है उन तक सहूलत कैसा पहुँचा जाए और क्या तरीका करे जाए। मेरी उनसे मांग है कि ये 38 बिल्डिंगों की एक सोसाइटी को पूरा एक ग्रुप बनाया जाए और उन सोसाइटी के चेयरमैनों को जिम्मेदारी दी जाए कि ज़रूरत किस टाइम पे जो ज़रूरत के सामान है या कचरा लेने के लिए या कुछ ज़रूरत की फूड है वो अंदर तक आ सके, उस टाइम के लिए एक आधा घंटा एक घंटा उस टाइम के लिए लॉक खोले और फिर वो प्रशासन को चाबी दे दे। ऐसा मैंने सोचा हूँ कि चेयरमैन और प्रशासन के साथ में मिलकर हम लोग ज्वाइंट एक ग्रुप बनाए, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों पूरा कलवा मुमरा में क्वेश्चन बढ़ने से प्रशासन एकदम हरकत में है और मुमरा के दूसरे इलाके के लोग बोल रहे हैं कि अमृत नगर के लोग वहाँ नहीं आना चाहिए,
हाल ही में कुछ डॉक्टरों की शिकायत है कि उनको भी उनकी सोसाइटी अंदर नहीं ले रहे क्योंकि वो कोविड का टेस्ट कर रहे हैं। एक एक घंटे के अंदर ये मीटिंग करके मामले को सॉल्व कर दिएगा। 14 दिन तक के लिए उनको बोला गया कि इमारत के अंदर रहे, उसके लिए जो ज़रूरत के सामान के लिए तो सोसाइटी चेयरमैन और उनके साथ एक ग्रुप बना के उस टाइम तक के लिए ही वो खोला जाए ताकि लोग पूरे शहर के अंदर बाहर न घूम सके। मुमरा के बाकी हिस्सों से लोगों की शिकायत आ रही है कि अमृत नगर के लोग बाहर घूमते हैं, हमारे तक भी बीमारी ना फैले। मेरी प्रहार टाइम के माध्यम से मुमरा कोसा के लोगों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इस एरिया में परिसर में ना आए, और यहाँ के लोगों से ये गुजारिश है कि बाहर ना खड़े। और सख्ती हो गई है, अगर हम लोग ऐसा ही मामला हमारा चलते रहा तो आने वाले वक्त में और सख्ती होगी क्योंकि प्रशासन और पुलिस बहुत सख्ती कार्रवाई पे उतरा है। वो उनको पूरे ऑर्डर है पुलिस को कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए ताकि शहर में आगे बीमारी ना फैले, देश में ना फैले। नौ पेशेंट अब तक हो चुके हैं, उनको यहाँ तक रोकने के लिए हमको कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। मैं ये बात से सहमत हूँ कि प्रशासन जो सख्त कार्रवाई उठा रहा है वो हमारे भलाई के लिए है, लेकिन लोगों की ज़रूरत की चीज़ उन्हें मिलना चाहिए, इसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।